दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर और फैमिली पेंशनर दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जहां दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो महंगाई भत्ता है उसमें एक बार फिर इजाफा हुआ है और आपका जो महंगाई भत्ता है 38% से पार हो चुका है। जहाँ दोस्तों, कैसे हुआ वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई बड़ी खुशखबरी, जल्द ही सरकार बढ़ रही जो महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। इसकी वजह यह कि मार्च महीने में AICPI इंडेक्स से नंबर सामने आए हैं, उन्हीं से यह पता लगाया है कि सरकार DA बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ सकता है। हालांकि अभी 3 महीने का जो नंबर आना बाकी है दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि महंगाई जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए लगता है कि आने वाले जो दिनों में महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी और भी ज़्यादा सकती। कुल मिलाकर जो महंगाई भत्ता 38% के पार निकलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें कि जनवरी और फरवरी 2022 में इसमें AICPI इंडेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मार्च में उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता लगभग साफ है। मार्च 2022 में इंडेक्स में उछाल आया था और अगला जो महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अप्रैल, मई और जून में ये और बढ़ सकता है। DA में 4% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जो है अप्रैल, मई और जून के नंबर आने बाकी है, पहले इतना बढ़ चुका है। DA यानी कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 1.5 साल से DA नहीं बढ़ाया था। अक्टूबर 2021 में 3% और बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों में DA में 31% हो गया था, इसमें 3% और बढ़ा दिया गया, 34% हो गया। दोस्तों, महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिलता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए यह अलाउंस दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी को, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी को महंगाई भत्ता और पेंशन को महंगा राय दिया जाता है। दोस्तों, ये थे आज की मेरे लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे जल्द ही बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान।